देखिए, मैं जब आई थी तो महाविद्यालय बाहर से लेकर के अंदर तक एक तो बहुत ज्यादा अस्वच्छता मुझे नजर आई थी, क्योंकि बाहर का बाड़ा भी बहुत गंदा था और जहाँ पशु जो इधर उधर के पशु थे वो बांधे जाते थे और पता ही नहीं चलता था कौन आता था, पशु बांध जाता था। गाय, भैंस, गधे, बंदर सभी का यहाँ पर आवागमन बहुत स्वतंत्र था। लेकिन आते ही मैंने नगर पालिका के सहयोग से पहले सफाई की व्यवस्था कराई, फिर बहुत ही ऐसे तत्व, अवांछित तत्व जो कि असामाजिक तत्व थे, वो शाम के समय में 2-3 बजे से यहाँ आना शुरू हो जाते थे, जो कि छात्राओं और महिला महाविद्यालय की महिला शिक्षिकाओं के लिए भी एक चुनौती बने हुए थे। और बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आई कि इस तरीके की समस्याएं, तो वो हमने लोकल जो हमारा थाना है उसकी मदद से और नगर पालिका की मदद से, दोनों ही के सहयोग से और प्रशासन की मदद से उसको सुधारा है। और यदि महाविद्यालय के आंतरिक स्वच्छता की मैं बात करूं तो हाँ, बहुत पहले से ज्यादा एक स्वच्छता के माहौल में कक्षाओं का संचालन हो रहा है। कक्षाएं सुचारू रूप से सुबह 9 बजे से लेकर के और 4 बजे तक संचालित हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी विषयों की, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, सभी की कक्षाएं समय पर समयबद्ध क्रम चक्रबद्ध तरीके से यहाँ पर संचालित हैं। शिक्षिकाओं में भी पूर्व से ज्यादा मुझे अब अनुशासन नजर आता है। शिक्षिकाएं समय पर अपने कक्षाओं का संपादन करती हैं और बच्चों को प्रेरित करती हैं। जैसे पूर्व में भी यहाँ सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन उसके अलावा अब प्रशासन से जुड़े हुए, शासन से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों का संचालन यहाँ कराया जा रहा है, जो कि आवश्यक भी है। यदि भविष्य में नेक नेशनल एक्रेडिटेशन यदि महाविद्यालय में कराया जाता है तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। बच्चों का, छात्राओं का स्वावलंबी होना वो भी आवश्यक है, जिसके लिए बच्चों को निरंतर प्रेरित किया जाता है। और आज जो परीक्षा चल रही है, पैट की परीक्षा, इस तरीके की परीक्षाओं का संपादन भी महाविद्यालय में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में जितना भी अकाउंट से रिलेटेड है यहाँ पर इस समय वो भी चल रहा है। सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित करने की और ज्यादा कोशिश मेरे द्वारा की जा रही है।